एवरीवन, मैं हूँ पायल और होम स्टाइल कुकिंग विद पायल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉन्टॉन, जो चाइनीज़ रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम बनाते हैं वॉन्टॉन। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं वॉन्टॉन, जो कि चाइनीज़ रेसिपी है। हम वॉन्टॉन बनाएंगे विथ सॉस। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये राजमा है जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये नूडल्स है जिसको मैंने बॉईल किया है। ये है प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये है पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये है गाजर जिसे ही मैंने महीन कट कर लिया है। ये है ऑयल, ये है सोया सॉस, ये है रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर और मैदा। और हमें चाहिए गरम पानी एंड ब्लैक पेपर। तो चलिए, हमें वॉन्टॉन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कप मैंने मैदा लिया है, इसका हम डो लगाएंगे और इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब जो हमने गर्म पानी लिया था उसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और एक टाइट डो लगाएंगे। इसे अच्छे से आटा गूंदना है आपको और एक टाइट डो बनाना है। देखिए, ये हमने आटा गूंद लिया है। इसे ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ही ज़्यादा लूज, इसे हम नॉर्मल रखेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमने मिक्सर के लिए बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और अपनी गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे एंड इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमने जो प्याज काटे थे वो हम प्याज इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का सा चलाना है। और फिर इसमें हम ग्रेटेड पत्ता गोभी डाल देंगे, जो हमने ग्रेट करके रखे थे वो पत्ता गोभी हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमने 1 बाउल लिया है। सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा चलाना है। इसमें हमने 1/2 बाउल जो ग्रेटेड कैरेट ली थी, गाजर, वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसे हम अच्छे से हिलाएंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और हम 2 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे एंड 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ये हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने बॉइल नूडल्स लिए थे वो नूडल्स हम इसमें डाल देंगे। नूडल्स हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हमने इसमें नूडल्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो हमने जो राजमा लिया था, जो राजमा हमने बॉईल करके मैश किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, राजमा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हमें हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है और हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
हमारे स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके हमने जो डो बनाया था उसकी हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। उसके लिए हम छोटे छोटे लोई लेते हैं। हमें इतनी छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है और छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है इसकी। अब देखिए हमने अपनी सारे लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे हम छोटी छोटी गोलियों से हम रोटियाँ बेलेंगे, पूड़ी साइज की छोटी छोटी पूड़ियाँ। उसके लिए हम एक लोई लेंगे, उसके लिए हम लोइयाँ लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। अपनी सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है। हम अपनी पूड़ियों के लिए हमें जो एक गम चाहिए उसके लिए हम वो बना लेते हैं। उसके लिए हम 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और इसमें हम 2 चम्मच करीबन पानी डालेंगे। देखेंगे कितनी ज़रूरत है हमें, इसमें उतना ही हम डालेंगे। इसे हमें गाढ़ा घोल बनाना है। ये 2 चम्मच हमारे लिए सफिशियंट है और ये हमारा अच्छे से घुल चुका है। तो देखिए हमें अपने गम ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल टाइट। हम इसे इस तरह से एक एक सीट लेंगे अपने और हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से हमें डालना है और हमने जो कॉर्नफ्लोर का जो गम बनाया था वो हम इसे साइड साइड में लगा देंगे ताकि ये हमारी पॉकेट खुले नहीं। इसलिए हमें अच्छे से लगाना है साइड में। हमें अच्छे से लगा के इसे फोल्ड करना है, इस कुछ इस तरह से अच्छे से फोल्ड करें, नहीं तो तेल में डालने के साथ साथ ये खुल जाएगी। इसीलिए इसे आप अच्छे से करें। उसके बाद हम यहाँ कॉर्नर्स में हल्का हल्का गम लगाएंगे और इसे कुछ हम इस तरह से शेप देंगे। देखिए हमारा वॉन्टन का शेप कुछ इस तरह से आना चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरफ से हमें करना चाहिए और इसे अच्छे से चिपका दें ताकि ये हम जब तेल में डालें ये अच्छे से ये खुले नहीं। तो इसे अच्छे से गम लगाइएगा और इस तरह से हमें सारे तैयार कर लेंगे। वॉन्टन सब तैयार कर लिए हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, और इसमें हम ऑयल डालेंगे ताकि हम अपने वॉन्टन को फ्राई कर सकें। तो इसमें देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है और इसे हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और इसे हम सब डाल के फ्राई करेंगे। देखिए जब मैंने डाल दिया है तेल में, अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक ना आ जाए तब तक हमें, हल्का गोल्डन ब्राउन आने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये हमारे वॉन्टन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तैयार कर लिए हैं, अब उसका हम सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे और हमने गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और इसे हम गरम करेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे। ये देखिए हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। वन फोर्थ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा गोल मिर्च डालेंगे, पिंच जितना हम इसमें गोल मिर्च डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमारा कुछ कलर इस तरह से आ गया है। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा सॉस तैयार हो चुका है तो इसमें हमने जो वॉन्टन बनाए थे, जो फ्राई किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि वॉन्टन में सारे ग्रेवी अच्छे से लग जाए, हमारा सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए। तो
सॉस अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अपना पॉन्टोन। हम प्लेटिंग करेंगे, इसके लिए हम ये सब अपने प्लेट में डाल लेते हैं। देखिए अब हमने अपने वॉन्टन की प्लेटिंग कर ली है। देखिए हाँ कितना सुंदर लग रहा है हमारा वॉन्टन। तो आपको भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए इन्जॉय।